हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु एंड वेलकम टू क्लास। आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का लेसन नंबर 10, जिसका नेम है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो कुछ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं यहाँ पर चैप्टर से रिलेटेड। इस पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो हमारा चैप्टर का नेम है वो है ग्रेविटेशन। मैंने पहला पॉइंट ये लिखा है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन एक्चुअली में होता क्या है, देखो जो ग्रेविटी होती है वो क्या होता है, फोर्स जो किसके थ्रू एग्जर्ट होता है, अर्थ के थ्रू एग्जर्ट हो, यानी एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के थ्रू एग्जर्ट हो उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कुछ भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है। तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों आता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ना। वो फोर्स किसके थ्रू लग रहा है, ये जो हमारा पूरा अर्थ है इसके थ्रू वो फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सी फोर्स है, वो है आपका ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर आपका कोई भी एक मटेरियल जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, जब आपने उसको ऊपर की तरफ फेंका है और कुछ टाइम बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम के बाद क्या आता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ना। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है, बाय द कॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन की हम डेफिनेशन भी ये लिख सकते हैं कि द फोर्स एग्जर्टेड बाय द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन तो यही हो गया कि जब भी कोई चीज़ हमारे अर्थ में नीचे की तरफ गिरती है, ठीक है, तो किस फोर्स के थ्रू होता है, ग्रेविटेशन के थ्रू से होता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया हमारा। सेकंड चलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये एक ऐसा लॉ है जिसके थ्रू कोई अगर दो ऑब्जेक्ट है तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के किस में रहते, फोर्स अट्रैक्शन में रहते। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, जैसे कि हमारा सन है, ठीक है, हमारी अर्थ है और कई सारे जो हमारे प्लैनेट्स वगैरह हैं वो एक दूसरे से फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट है ना। तो किस के थ्रू होता है आपका, यूनिवर्सल लॉ के थ्रू। ठीक है, इसको हम समझते हैं। जैसे कि हमने लिया कोई दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनका एक अपना मास है, इसका एक अपना दूसरा मास है। ठीक है, इसको हमने कैपिटल एम ले लिया, इसको स्मॉल एम ले लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होगा, है ना, बी ओवर डिस्टेंस। तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है कि एक ऐसा फोर्स है जो किसके प्रोपोर्शनल है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो ये एक ऐसा फोर्स है कि वो प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों मास के, जो दोनों मास है यानी कैपिटल एम स्मॉल एम, दोनों मास के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ध्यान रखना मैंने दो बात कही है, दोबारा बोलता हूँ। पहली बात ये बोली थी कि जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मास से, यानी पहला तो ये हो गया दोनों प्रोपोर्शनल है दोनों के मास से। दूसरी बात मैंने ये बोली कि जो इनका फोर्स है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ऑफ बोथ मासेस। ठीक है, दोनों का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसे अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखें तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन मिलेगा वो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन। अब एक चीज और देखें, यहाँ पे प्रोपोर्शनेट का साइन लगा हुआ है ना। अब इस प्रोपोर्शनेट के टर्म को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एफ कोई भी अगर प्रोपोर्शनेट टर्म हटता है तो उसकी जगह एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो ये जी क्या है, कैपिटल जी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हमारी ग्रेविटेशन है, ये हमारी एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसीलिए हमने इसे कांस्टेंट बोला है। ठीक है, तो ये पूरा जो आपका मैथमेटिशियन था ये सारा आपका किसमें आता है, यूनिवर्सल लॉ। और यही फॉर्मूला हमने किसने दिया है, यूनिवर्सल लॉ ने ये फॉर्मूला हमें दिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके बीच में, दो मास के बीच में। ठीक है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके थ्रू होता है आपका, इसके यूनिवर्सल लॉ के। ठीक है, चल आगे चलते हैं।
यूनिवर्सल लॉ हो गया, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल। अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ का क्या होगा, कि इम्पोर्टेंस क्या है, वो दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अर्थ से हम अट्रैक्टेड है ना, क्योंकि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये भी एक फोर्स है, ग्रेविटेशन का एक फोर्स है। अगर फिर मैं दूसरी की बात करूँ कि जैसे मून है, मून क्या करता है, हमारे अर्थ के चारों दिशाओं में मूव करता है ना, तो वो भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके थ्रू से हो रहा है, यूनिवर्सल लॉ के थ्रू हो रहा है, ठीक है। और दूसरे की बात करें, जैसे हमारा सोलर प्लैनेट है ना, तो वो सारे सन के अराउंड मूव करता है, वो किसके थ्रू होता है, आपको यूनिवर्सल लॉ के थ्रू होता है। तो ये सारे कुछ क्या है, इम्पोर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ के, ठीक है, जिसको हम फॉलो करते हैं। और जो फोर्थ पॉइंट है आपका, वो है फ्री फॉल। अब देखो फ्री फॉल क्या होता है, इजी कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई चीज एक फ्रीली नीचे की तरफ गिरे है ना, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सटर्नल फोर्स नहीं। फॉर एग्जाम्पल की बात करूँ, मैंने कोई स्टोन ये ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, वो स्टोन थोड़ी देर तक जब तक उसमें फोर्स था है ना, तब तो तक ऊपर गया, उसके बाद वो खुद एक टाइम के बाद, कुछ एक टाइम पीरियड के बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन आया, उस टाइम बाद वो वही स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन आया। अब देखो जब तक ये ऊपर था तब तक तो इसके पास मेरा वाला फोर्स था जो मैंने इसको फोर्स दिया था, लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगा तो इसके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा है ना, वो क्या होगी, ग्रेविटी होगी सिर्फ, और कोई फोर्स नहीं होगा। तो इस फ्री फोर्स को, जो ये फ्रीली जो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्री फोर्स, ठीक है। यानी जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसके पास कोई फोर्स नहीं होगा है ना, वो सिर्फ ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, इसको तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद है मास एंड वेट। अब देखो मास एंड वेट दोनों को अगर हम यूनिट देखें तो दोनों को हम किलोग्राम में ही मेजर करते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंस है इसमें मास में और वेट में। वो क्या है कि जो मास होता है आपका, वो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता, ठीक है। यानी कि जो मास आपका अर्थ पे है वही मास आपका मून पे होगा, ठीक है। यानी जो मास है आपका, जो मास आपका अर्थ पे होगा वही मास आपका मून पे भी होगा। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो जो आपका अर्थ पे है वो आपका मून पे चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये चेंज क्यों हो जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है, क्योंकि आपको ये सिर्फ चीज समझनी है कि मास क्या है आपका, मास भी क्या है आपका, हमारा एक बॉडी का वेट ही है एक तरह से, हम इसको यूनिट में केजी ही बोलते हैं, लेकिन मास जो है वो कहीं चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं नॉट विल बी चेंज, और वेट जो है आपका विल बी चेंज, उसके लिए ठीक है। यानी मास आपका कहीं चेंज नहीं होगा लेकिन वेट चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये मास और वेट के बारे में था, कुछ आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। देखो अभी मैं इसी की बात कर रहा था कि अब आपका जो वेट है वो मून पे क्या हो, इसके कुछ हम मैथमेटिक्शन करते हैं कि आपको बुक में गिवन होगा, आपको बुक में गिवन होगा अर्थ का मास है ना, अर्थ का रेडियस, ऐसे ही गिवन होगा मून का मास और मून का रेडियस, ये आपको गिवन होगा। आप क्या करोगे, इसमें सबसे पहले निकालोगे आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका निकालोगे, मून का, ठीक है। आप क्या करोगे, आप जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालोगे इसको आप क्या लिख सकते हो, एफ ई को आप लिख सकते हो डब्ल्यू ई, डब्ल्यू का मतलब वेट ऑफ अर्थ, इसको भी लिख सकते हो डब्ल्यू एम यानी वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मास, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब आप जैसे ही आपने ये दोनों कैलकुलेट कर दिया, कैलकुलेट करने के बाद आप ये करना डब्ल्यू एम अपॉन में डब्ल्यू ई, ये कर देना। इसके बाद देखना जो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, 1/6 है, तो ये 1/6 ये क्वेश्चन हमें क्या मतलब रिजल्ट देता है कि जो आपका जो वेट है मून पे, जो आपका वेट है मून पे वो क्या हो जाएगा 1/6 ऑफ वेट ऑफ अर्थ,
ये हो जाएगा, है ना। जो आपका वेट है मून पे वो क्या हो जाएगा, 1/6 ऑफ अर्थ। ठीक है, इसकी जो मैंने आपको तरीका बताया, आप वेट ऑफ अर्थ निकालना, वेट ऑफ मून निकालना और उसको फिर मून बाय अर्थ से डिवाइड कर देना, जो रिजल्ट आएगा आप ऐसे। ठीक है, वैसे हमारा यही होता है कि जो हमारा वेट हमारा अर्थ पे होता है उसका 1/6 होता है मून। ठीक है, तो यही मैंने भी डिस्कस करा था कि वेट कैन बी चेंज बट मास कैन नॉट बी चेंज। जो आपका सेवंथ है वो है थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब देखो थ्रस्ट एंड प्रेशर क्या होता है। थ्रस्ट क्या है कि एक पर्टिकुलर फोर्स है, ठीक है, जो किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है। फॉर एग्जांपल की बात करूं, ये आपका कोई वॉल है, दीवार है, ठीक है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेल से स्ट्राइक कर रहा हूँ, है ना। यानी क्या होगा, जब तक मैं इसको ऐसे सीधा रखूंगा फिर इस पर अगर फोर्स लगाऊंगा तब जाके जो नेल है ये अंदर की तरफ जाएगा, है ना। लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ कि कुछ मटेरियल को किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर रख के फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही कोई मटेरियल आप परपेंडिकुलर रख के उस पर फोर्स लगाते हो तो इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट की डेफिनेशन भी यही ले सकते हो आप, ठीक है, कि थ्रस्ट क्या है आपका, कि व्हेन वी फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, यानी हम किसी पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन किस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। दूसरा है प्रेशर। अब देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन द एरिया। आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, लेकिन कितने एरिया पे लगा रहे हो। प्रेशर जो होता है आपका, प्रेशर क्या होता है, वो होता है थ्रस्ट अपॉन द एरिया। यानी आप थ्रस्ट कर रहे हो, यानी फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लेकिन कितने एरिया पे लगा रहे हो वो भी डिपेंड करता है। अगर मैं इस मिडल की बात करूँ, इस पे ऐसे फोर्स लगाऊं तो इसका एरिया अलग है, और अगर मैं इसकी बात करूँ इससे फोर्स लगाऊं तो इसका एरिया अलग है, है ना। तो यही डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे कि थ्रस्ट है पर एरिया के हिसाब से। तो थ्रस्ट इज इक्वल टू थ्रस्ट ऑफ, सॉरी, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट ऑफ एरिया। ठीक है, अगला चलते हैं प्रेशर इन फ्लूड। अब देखो फ्लूड क्या होता है, फ्लूड जो है हमारा नॉर्मली, जैसे हम ये कॉमन नेम है आपका, जैसे गैस और लिक्विड होता है उसी के कॉमन नेम को हम फ्लूड भी कहते हैं। अब देखो उसमें भी प्रेशर एग्जर्टेड हो, अब जैसे की बात करें कोई जैसे कि बाढ़ आ रही है ना, तो उसका जो वेलोसिटी होती है, उसकी जो उस वाटर की वेलोसिटी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वो किसी भी मटेरियल को बहा के लेके जा सकते हैं। जैसे कि हमने कई जगह बाढ़ देखी होगी, वो कई जगह किसी भी चीज को बहा के ले जाती है। तो किसके थ्रू होता है वो, उसका प्रेशर है, उस वाटर का प्रेशर इतना तेज होता है कि वो किसी भी चीज को बहा के ले जाती है अपने साथ। ठीक है, तो प्रेशर इन फ्लूड जब होता है, बिल्कुल होता है, प्रेशर आपका वाटर में भी होता है और एयर में भी होता है। जैसे कि आपने टॉर्नेडो देखा होगा, वो ऐसे राउंड अप घूमता रहता है और वो कितनी चीजों को अपने साथ घुमा के ले जाता है ना, तो वो भी किस में आता है, फ्लूइड के अंदर। तो प्रेशर दोनों में है, गैस में भी है और लिक्विड में भी। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा बात करें बेयरेंट की, बेयरेंट क्या चीज है, देखो बेयरेंट हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, बेयरेंट क्या चीज होती है, ये एक ऐसा फोर्स है जब आप किसी भी मटेरियल को वाटर के अंदर डालते हो तो कुछ एक फोर्स एग्जर्ट होता है वाटर से। जैसे कि मैं बात करूँ, ये आपका कोई कंटेनर है, ठीक है, इस कंटेनर में आपने वाटर पीकर, अब आपने क्या किया, इसमें जो हमारी रबड़ की बॉल होती है, ठीक है, रबड़ की बॉल को हमने इसके ऊपर गिराया, ठीक है, और वो जैसे ही गिरेगा तो वो कुछ ऐसा रहेगा, है ना। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि कुछ पार्ट बॉल का कुछ पार्ट कहाँ है, वाटर के अंदर है, लेकिन जो ये वाटर क्या कर रहा है, इसे ऊपर की तरफ फोर्स कर, ठीक है, यानी वाटर क्या कर रहा है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फोर्स कर। तो ये जो फोर्स है किसका फोर्स है, फ्लूड का फोर्स। ये फ्लूड का जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं बेयरेंट। ठीक है,
यानी फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटी। मतलब क्या हो रहा है, जो आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है, आपके ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाने के लिए, ठीक है, तो उस हम फोर्स को क्या कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो आगे चलते हैं, फ्लोट एंड सिंक। अब देखो फ्लोट एंड सिंक, फ्लोट एंड सिंक का मतलब क्या होता है, डूबना और तैरना। तो डूबना और तैरना किस पे डिपेंड करता है, फ्लोट एंड सिंक किस पे डिपेंड करता है, जो भी आप ऑब्जेक्ट किसी वाटर पे रखते हो तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि जो आपने ऑब्जेक्ट दिया है वाटर के ऊपर उसकी डेंसिटी क्या। ठीक है, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, अगर उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी तो वो तैरता रहेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करो कि अगर ये कंटेनर है मेरा और ये वाटर है, अगर मैं इसमें प्लास्टिक की बोतल डालू तो तैरती रहेगी, है ना, और अगर मैं इस पे पेज डालू तो वो भी तैरती रहेगी। ठीक है, लकड़ी का कोई मटेरियल डालू, बोर्ड का, तो वो भी तैरती रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है अभी वाटर से कम है। अगर जैसे ही मैं इसमें कुछ आयरन डालू, आयरन मटेरियल डालू, तो क्या हो जाएगा, नीचे डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज्यादा है। ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होने के कारण ये आयरन नील क्या करेगी, इसके अंदर डिप हो जाएगी। ठीक है, तो फ्लोट और सिंक किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड। ठीक है, तो हम डेंसिटी लिख देते हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और अपॉन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम। डेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, उस ऑब्जेक्ट का मास और उसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों से आपकी डेंसिटी डिपेंड करती है। अच्छा आगे चलते हैं, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। अब देखो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल क्या होता है, जिसकी वजह से हम जो अपने सबमरीन्स वगैरह या शिप वगैरह हम तैयार करते हैं, बनाते हैं उसको, तो हम ये प्रिंसिपल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, देखो जैसे कि कोई ये बहुत बड़ा समुद्र है, ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे शिप को प्लेस करना है। ठीक है, अब शिप को ये शिप आएगा इसके ऊपर, तो हम इसमें ये चेक करते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट किसी फ्लूड के ऊपर रखा है, ठीक है, तो जो फोर्स इस फ्लूड से इसको ऊपर उठाने के लिए लगेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका बियंड फोर्स पे। तो जो बियंड फोर्स जब इस पे लगेगा तो वो डिपेंड करेगा उसके इसके वेट पे, जो वाटर का वेट है, ठीक है, इसके वेट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर बाय चांस अगर ये जो आपकी शिप है ये आपकी सिंक भी हो जाती है, फिर वापस ऊपर की तरफ आती है ना, किसके थ्रू होता है आपका, बियंड फोर्स के थ्रू। ठीक है, बियंड फोर्स क्या करता है, इसको ऊपर की तरफ एक्सर्ट करता है, ऊपर की तरफ इसको फेंकता है। ठीक है, तो आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के थ्रू हम ये जानते हैं कि अगर जो इसका वेट है, इसका वेट और इसके वेट का डिटर्मिनेशन करता है। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा कि अगर ये इसके अंदर डूब जाए, ठीक है, तो इसका जो वेट है, इस समुद्र का जो वेट, इसमें क्या चेंज आएगा। मतलब कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, जैसे कि ये कोई कंटेनर है और यहाँ पे एक पेपर कंटेनर और इसमें यहां तक वाटर फिल, ठीक है, यहां तक वाटर फिल है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कुछ स्टोन पत्थर इसमें डिप कर, तो जैसे ही पत्थर इसके अंदर डूबेगा तो ये जो पानी है ऊपर, ये पानी देखो फिल है, जैसे ही डूबेगा तो क्या होगा, कुछ वाटर आपके नीचे की तरफ डाउन आ जाएंगे, है ना, कुछ वाटर गिर जाएंगे, है ना। तो किसके थ्रू है, यही हमारा आर्चिमेड प्रिंसिपल है कि अगर हम इसके वेट को डिटरमाइन करके अगर इस फ्लूइड के अंदर डिपॉजिट करते हैं तो क्या इसके वेट में चेंज आएगा। ठीक है, वो हम
इस प्रिंसिपल्स के थ्रू देखते हैं, ठीक है। और अगर इस बॉट इसमें पानी कम है फेजल में, ठीक है, तो अगर हम इस स्टोन को अब इसमें डिप करेंगे तो हो सकता है इसका वाटर लगभग इतने का आ जाए, ठीक है, और इसके अंदर ये स्टोन आ जाए, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमें बताता है आर्चवेट प्रिंसिपल, ठीक है, कि अगर हम किसी फ्लूड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट डिप कर रहे हैं तो उसके वेट में और उसके वेट में कितना चेंज है, ठीक है, ये क्या फर्क पड़ेगा ये हम देखें। चलो आर्चवेट प्रिंसिपल हो गया। उसके बाद एक लास्ट इसमें और आता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। अब देखिए जो ये रिलेटिव डेंसिटी है किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि हम अगर देखें तो रिलेटिव डेंसिटी जो है आपकी तो किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, और दूसरा है डेंसिटी ऑफ वाटर, ये है आपकी रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर, इसको रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और ऑफ द वाटर की डेंसिटी, ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। हम रिलेटिव डेंसिटी क्यों निकालते हैं, अगर मुझे ये डस्टर पानी के अंदर डुबा तो मैं इसकी रिलेटिव डेंसिटी निकालता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी मुझे क्या पता लगेगा कि ये उसके अंदर डूबेगा या नहीं डूबेगा, ठीक है। सबसे पहले इसकी डेंसिटी निकालूंगा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, ठीक है। जैसी ज़्यादा हो जाती है इसकी डेंसिटी तो ये वाटर में डूब जाएगा, अगर इसकी डेंसिटी कम है तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर में, ये सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट करने के बाद जो ये चैप्टर है हमारा लेसन नंबर 10 वो कंप्लीट होता है।